जिला अस्पताल में कहने को तो तकरीबन 35 सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन किस तरह से वे अपनी सफाई करते हैं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकेंगे कि किस तरह से गंदगी अस्पताल में व्याप्त है। वहीं कई जगहों पर अस्पताल प्रबंधन एवं कर्मचारियों की मनमानी के चलते भी हाल बेहाल है। पहली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से एक पलंग पर 3 से 4 लोग रुके हुए हैं, जबकि मरीज को केवल एक पलंग पर एक ही मरीज होने की इजाजत है, साथ ही परिजन भी एक ही रह सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक ही पलंग पर 1 से 5 लोग घिरे हुए हैं, और ऐसा एक पलंग नहीं बल्कि पूरे वार्ड की यही स्थिति है। अस्पताल प्रबंधन ये कहता है कि परिजनों से मना करने के बाद भी मानते नहीं तो सुरक्षाकर्मी जो हर महीने लाखों रुपए वेतन लेते हैं उनका क्या काम। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं ट्रामा सेंटर की, जिसके अंदर कितनी गंदगी व्याप्त है। वैसे आप तस्वीरों के साथ देख सकते हैं कि जिला चिकित्सालय में धूम्रपान और तंबाकू खाना पूर्णतः प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रामा सेंटर में तंबाकू के खाली पैकेट आपको आसानी से दिखाई दे जाएंगे। अगली तस्वीर है बर्न वार्ड के सामने शौचालय के रास्ते की, जहां अमूमन सभी मरीज शौच के लिए जाते हैं। इस रास्ते में गंदगी का ढेर साफ नजर आ जाएगा, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस गंदगी में केवल मरीजों को लगाई जाने वाली बोतल और इंजेक्शन पड़े हैं, जिसके बारे में अस्पताल प्रबंधन यह नहीं कह सकता कि मरीजों के द्वारा फैलाया गया कचरा है, बल्कि ये तो अस्पताल प्रबंधन के द्वारा फैलाया हुआ कचरा लगता है। अब आपको लिए चलते हैं महिला मेडिकल वार्ड में, जहां का नजारा देखकर तो एक बार हम भी दंग रह गए। एक महिला अपना इलाज कराने के लिए कल भर्ती हुई। जिस पलंग पर वह भर्ती हुई उसके पास में पड़ी डस्टबिन में पहले से किसी मरीज का कचरा पड़ा हुआ था, जिसमें से काफी बदबू आ रही थी। वहीं मरीज के परिजनों ने हमें बताया कि जब उसने सफाई कर्मचारी से डस्टबिन को खाली करने की बात कही तो सफाई कर्मचारी मरीज के परिजनों को यह कहकर चुप करा दिया कि तनख्वाह आप नहीं देते, ऐसे हुकुम मत चलाओ। 2 दिन हो गए बच्ची का मेरे ज्यादा सीरियस है, ये बाटा भरी रखी, हमने जाके कर्मचारियों से बोला भैया फेंक दो, कि तुम क्या तनख्वाह दे रही हो मुझे, नौकर लग रहा हूँ। अब ऐसे बोलना चाहिए क्या आप मरीजों के साथ? इतनी बदतमीजी से बात करिए इसका कोई जवाब नहीं। अस्पताल में इतनी गंदगी के बाद मरीज यहाँ कैसे स्वस्थ हो सकता है? इस बात सब बातों को लेकर जब हमने सिविल सर्जन डॉक्टर एस के श्रीवास्तव से मिलना चाहा तो पता लगा कि वे गुना में नहीं है। साथ ही साथ जब उनसे फोन पर संपर्क किया तो गंदगी को लेकर उन्होंने कहा कि मैं दिखवाता हूँ। वहीं एक एक्सक्यूज जो उन्होंने दिया वह गले से नीचे नहीं उतरा। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, शायद गंदगी उसी की वजह से फैली होगी। समझ से परे है कि जब सफाई कर्मचारी लाखों रुपया महीने का वेतन ले रहे हैं तो सफाई क्यों नहीं करते। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कुछ अन्य तस्वीरें जो आपको हैरत कर देंगी। अस्पताल में जगह ना होने के चलते ये तस्वीरें बहुत ही आम है। पहली तस्वीर देखिए किस तरह से एक नर्स दालान में लेटे मरीज को बोतल चढ़ा रही है। समझ आता है कि जगह ना होने के चलते दालान में लेटा कर मरीज को बोतल लगा दी गई। लेकिन दूसरी तस्वीर जिसमें एक मरीज अपने हाथ में बोतल लेकर शौचालय के लिए जाता नजर आ रहा है। यदि ऐसे में कोई गंभीर हादसा घटित हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन इसकी परवाह अस्पताल में काम कर रहे कर्मचारियों को तो कम से कम नहीं है। कर्मचारियों के बारे में अक्सर सुना जाता है कि लोग उनसे बदसलूकी करते हैं, लेकिन आज हमने जो कारण देखा तो कुछ कुछ समय में आया कि हालांकि ऐसी स्थिति बनती क्यों है। एक बार तो हम भी सोच में पड़ गए कि ये तस्वीरें ऐसी कैसे हैं। महिला वार्ड के एक पलंग नंबर 4 पर एक महिला जो बीमार थी उसको बोतल चढ़ाई गई थी। महिला को बोतल खत्म हुए तकरीबन घंटा भर हो गया था, लेकिन नर्सों को बार बार बुलाने के बाद भी बोतल निकालने नहीं आ रही थी। आलम यह हुआ कि महिला के हाथ में से खून आना शुरू हो गया। इन सब के बाद अस्पताल प्रबंधन को इस बारे में बताया, तब जाकर उन्होंने बोतल निकाली। यदि हम समय पर नहीं पहुंचे तो परिणाम गंभीर हो सकते थे। इस तस्वीर को देखने के बाद समझ नहीं आ रहा था कि हम जिला चिकित्सालय में हैं या फिर किसी कचरे के गोदाम में। हालांकि सिविल सर्जन ने हमें फोन पर आश्वासन दिया कि वे आकर इन सबको दिखा लेंगे, लेकिन आश्वासन से होता क्या है? जो मरीज यहाँ स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आते हैं उल्टा गंभीर बीमारियों के ग्रसित होने का डर बना रहता है।
साथ ही साथ उन सफाई कर्मचारियों एवं सुरक्षा कर्मचारियों को लाखों रुपया सरकार वेतन देती है, लेकिन वे भी ठीक से काम नहीं करते। देखने लायक होगा कि हमारी खबर प्रकाशित होने के बाद अस्पताल प्रबंधन इसमें क्या करता है, या फिर महज खानापूर्ति और लीपापूती कर इस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा।